हेलो एवरीवन वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं सैम्पल पेपर वन के सेक्शन बी को अगर आपने सेक्शन ए और सी नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है आप वहां जाकर देख सकते हैं तो चलते हैं सेक्शन बी पर बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे

तो देखिए टपल को डिक्लेयर किससे करते हैं हम इस वाले ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे अगर दो एलिमेंट आ रहे हैं इट मीन टपल जो डिक्लेयर किया है सिंगल एलिमेंट के साथ डिक्लेयर किया है अब आपको पता है एक वेरिएबल तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टू फोर्टी और दूसरा एग्जाम्पल टू फोर्टी और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं तो इस केस की अगर हम बात करें तो ये आपका एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इट मीन्स इसका जो मतलब होता है वो यही रहेगा ए इक्वल टू टू uh, फोर्टी अगर मैं यहाँ पे बात करूं टपल ए है तो राइट और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक टपल डिक्लेयर हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग एक टपल को मल्टीप्लाई बाई टू कर रहा है इट अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन ए तो ये आपका इंटीजर है अगर आप इसके ऊपर ये अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा फोर एट्टी आ जाएगा तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन सेकंड की अगर हम बात करें तो डबल कोर्स में डिक्लियर कर रखा है डबल कोर्स में डिक्लियर कर रखा है इट मीन ये आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा तो इस केस में अगर आप पी uh, को मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे तो टू फोर जीरो टू फोर जीरो आउटपुट आ जाएगा राइट यहाँ पे आप इसकी बात करें तो एक टपल डिक्लेयर किया है और ये आपका करेक्ट आंसर है अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका अगेन एक इंटीजर नंबर हो गया जिसमें ये क्या कर रहा है टू से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका रिजल्ट आपका ये आ जाएगा राइट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन की अगर हम बात करें तो एक फाइल गिवन है फाइल के अंदर ये कंटेंट्स यहाँ पे दे रखा है देन पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे अगर इस कोड को अगर हम समझे तो यहाँ पे देखिए फाइल को इन्होंने ओपन कर लिया है रीड मोड में फाइल को ओपन किया है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इन्होंने जीरो डिक्लेयर कर रखी है एल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन अप्लाई किया तो एंटायर फाइल को रीड कर लेगा ये वर्ड इक्वल टू एल डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज किया तो यहाँ पे क्या करेगा स्पेस के अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा इनको स्प्लिट कर देगा तो आपका पहला स्ट्रिंग बन जाएगा इफ फिर यू आर इस तरीके से मतलब ये अलग अलग आपके क्या हो जाएंगे मेम्बर्स बन जाएंगे एक लिस्ट बनेगी उसका राइट ना हो इसके बाद फोर लुप यूज कर रहा है फोर आई इन वर्ड वर्ड जो आपकी एक लिस्ट बनेगी उसके अंदर क्या करेगा हर एक वर्ड को रीड कर रहा है फिर उसको चेक कर रहा है इफ आई इक्वल टू इक्वल टू क्लैप देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन जो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी जीरो तो इस कोड को समझने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्लैप वर्ड को काउंट कर रहा है राइट क्लैप वर्ड को काउंट करना है तो यहाँ पे बाद में प्रिंट कर रहा है कितनी बार क्लैप वर्ड आ रहा है उसको प्रिंट कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्लैप वर्ड की बात करें तो क्लैप वर्ड एक बार ये आ चुका है एक बार यहाँ पे आया है एक ये आया है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इंडिपेंडेंट क्लैब वर्ड नहीं है क्योंकि क्लैप की हम जो स्प्लिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका स्पेस है और ये स्पेस है बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ स्पेस नहीं है और यहाँ पे भी स्पेस नहीं है तो अगर यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन वर्क करेगा तो आपका इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा ब्रैकेट के साथ क्लैब देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्लैप और ब्रैकेट राइट right? तो ये आपके क्या होंगे इसके साथ मैच नहीं होंगे तो ये वाले जो वर्ड है एक ये वाला ये वाला और ये क्लैप ये क्लैप और ये क्लैप वाला जो है काउंट नहीं होंगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो आ जाएगा क्लैप 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 यहाँ पे थ्री टाइम्स पे क्लैप आ रहा है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थ्री अब अगर यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं इस ब्रैकेट के बीच में और क्लैप के बीच में और इस क्लैप ब्रैकेट और क्लैप के बीच में स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं देन आपका आउटपुट बनता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तब आपका आउटपुट क्या बनता नाइन बट इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है और ना ही यहाँ पे स्पेस है तो इनको क्या करेगा स्प्लिट करेगा तो आपका आउटपुट स्प्लिट करेगा ब्रैकेट क्लैप के अकॉर्डिंग और यहाँ पे क्लैप और ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ये 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 स्प्लिट करेगा करेगा तो तो आउटपुट आपका आपका आ जाएगा वाला क्लैप 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 काउंट फिर देन इसके बाद करेक्ट तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कह रखा है कि आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है एलवन और L1 के अंदर भी अगर हम बात करें तो लिस्ट के अंदर ही लिस्ट एक मेंबर डिक्लेयर कर रखा है तो ये लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है जिसमें रेड और ग्रीन है वन इंडेक्स पे एक और लिस्ट डिक्लेयर कर रखी है जिसके अंदर ब्लू येलो और ऑरेंज है और फिर सेकेंड इंडेक्स पे ब्लैक और व्हाइट डिक्लेयर कर रखा है राइट अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को देखिए लिस्ट वन के अंदर सेकंड इंडेक्स में जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका थर्ड करेक्टर प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए ये आपका जीरो इंडेक्स पे तो इसमें से आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा ये आपका वन इंडेक्स है तो ये भी कट जाएगा ये आपका इंडेक्स जो सेकंड इंडेक्स पे आपका ये वाला आउटपुट आपका कंसिडर होगा इसके बेस पे ना उसमें जीरो इंडेक्स पे जीरो इंडेक्स का मतलब ये जीरो इंडेक्स है और ये वन इंडेक्स पे तो ये वाली लिस्ट को मेंबर को लेगा देन उसमें थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है तो ये जीरो इंडेक्स पे ये वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स, इंडेक्स पे और थर्ड इंडेक्स पे क्या है आपका सी तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी तो ट्वेंटी एट के अंदर जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्वेंटी की तो ट्वेंटी हम बात करें तो कह रहा, रहा है आइडेंटिफाई द आइडेंटीफाई दाइथन कोड एक्स इक्वल टू टू हंड्रेड दे रखा है तो जेड इक्वल टू एक्स फ्लोर डिविजन आपका क्या कर देगा टू अदरवाइज जेड इक्वल टू एक्स की पावर जो भी आपका एक्स है उसकी पावर कर देगा ये टू एक्स का एक्सपोनेंट और इसको प्रिंट कर देगा क्या ये जेड देन नेक्स्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ये आपका मतलब इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम वाई लूप को एक्जीक्यूट करते हैं तो एक्स की इनिशियल वैल्यू टू हंड्रेड लेगा टू हंड्रेड ग्रेटर देन टेन कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे आएगा 200 हंड्रेड मोड टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो अगर 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका जीरो आएगा अगेन कंडीशन सेटिस्फाई तो z इक्वल टू क्या कर देगा x फ्लोर डिवीजन x को फ्लोर डिवाइड करेगा 2 के साथ अब x को फ्लोर डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या करेगा आपका देखिए 200 को डिवाइड करेगा फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन 2 से करेगा तो यहाँ पे देखिए आपका जाएगा इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा ये

क्स मोड इक्वल टू अगेन जीरो जीरो बच जाएगा अगेन यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स फ्लोर डिविजन आपका क्या आ जाएगा टू तो यहाँ पे जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा x को डिवाइड करिए वन फिफ्टी टू के साथ फ्लोर डिविजन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका सेवनटी फाइव राइट अब यहाँ पे 75 फाइव देखिए फ्लोर डिवीजन के अंदर इंटीजर पोर्शन में जो क्वेश्चन बसता है वो आपका फ्लोर डिवीजन के अंदर कंसीडर करते हैं नाउ सेवेंटी में आपका ये आंसर ठीक हो गया यहाँ पे ये यह ऑप्शन गलत हो गया ये ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है और ये भी तो ये दोनों ऑप्शन आपके पहले एलिमिनेट हो चुके थे और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो चुका है तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा अब आगे देखते हैं सेकेंड टाइम पर रन किया तो सेवनटी फाइव नाउ अगेन यहाँ पे फ्लोर इसको माइनस करेगा एक्स इक्वल टू एक्स माइनट फिफ्टी तो वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी करेगा तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी हंड्रेड नाउ हंड्रेड ग्रेटर देन आपका कितना है टेन uh, है ग्रेटर देन टेन है तो ये क्या करेगा एक्स मोड टू इक्वल इक्वल टू जीरो यस तो यहाँ पे फ्लोर डिवाइड करेगा तो इसका फ्लोर डिवीजन हो जाएगा आपका फिफ्टी तो यहाँ पे आपका सेकंड जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी के बाद अब माइनस करेंगे यहाँ पे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फिफ्टी नाउ वापिस ऊपर जाएगा फिफ्टी yes, तो तो ग्रेटर 25. 25 50 50 50 तो क्या आ जाएगा आपका जीरो तो जीरो पे फिर कंडीशन क्या हो जाएगी लूप से कंडीशन uh, हो जाएगी फॉल्स और लूप से आ जाओगे आप बार तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ये आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अगर कोई डाउट है तो आप फिर भी इसमें पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी की बात करें देखिए थर्टी में कह रहा है फोर लूप यूज किया फोर आई इन रेंज एंड इफ आई इक्वल टू इक्वल टू फाइव कंटिन्यू अदरवाइज प्रिंट करेगा आई की वैल्यू और एंड पे कर रहा है इट मीन्स आपका आउटपुट आएगा वर्टिकल लाइन और होरिजेंटल लाइन के अंदर तो वर्टिकल लाइन में आपका आउटपुट आएगा मतलब सिंगल लाइन के अंदर एंड इक्वल टू स्पेस नाउ रेंज फंक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो से शुरू होगा जीरो वन टू थ्री फोर

ही चलेगा तो टू लेगा थ्री लेगा फोर लेगा नाउ फाइव पे आप जाके देखेंगे तो ये कंटिन्यू कर देगा जैसे ही कंटिन्यू करेगा मीन्स ये क्या करेगा रेस्ट ऑफ द जो फाइव वाला पार्ट है उसमें क्या करेगा छोड़ देगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा तो आई की वैल्यू फाइव प्रिंट ना हो के नेक्स्ट आइट्रेशन सिक्स पे चला जाएगा तो यहाँ पे फाइव प्रिंट हो रहा है तो ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर देन फाइव पे कंटिन्यू कर रहा है सिक्स सेवन एट नाइन अब यहीं पे अगर मान लीजिए थ्री होता तो आपका रिजल्ट आता जीरो फोर फाइव फिर आपका क्या होता थ्री uh, तो ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से आपका रिजल्ट आता अगर आप इस स्टेटमेंट की जगह ये लिखते इफ आई मोड थ्री इक्वल टू इक्वल टू देन आपका आउटपुट क्या आता देखिए वन पे कंडीशन फॉल्स जीरो पे कंडीशन फॉल्स वन पे टू पे कंडीशन फॉल्स थ्री पे जाते ही कंटिन्यू करता रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपका प्रिंट नहीं होता छोड़ देता फिर फोर फाइव देन फिर सिक्स पे छोड़ता सेवन एट और नाइन पे छोड़ देता तो उस केस में आपका रिजल्ट यह आता सपोज कर लीजिए कंटिन्यू की जगह अगर ब्रेक स्टेटमेंट होता तो क्या होता ब्रेक स्टेटमेंट में आपको पता है क्या होता है जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आएगा आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा लूप से बाहर आ जाएगा तो इस केस में जो आपका आउटपुट बनता वो बनता आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव पे जाते कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ब्रेक स्टेटमेंट लूप से बाहर आ जाते तो इस केस में आपका आउटपुट जीरो वन टू थ्री फोर होता तो ये ब्रेक स्टेटमेंट और नेक्स्ट एक होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों आपके क्या है जंप स्टेटमेंट है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो आई होप क्वेश्चन नंबर थर्टी आपका क्लियर हुआ होगा ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही प्रोग्राम के अंदर आता है रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को स्टॉप करता है लूप से बाहर आ जाता है एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके और उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है जो लूप को फॉलो कर रहा हो उस स्टेटमेंट पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूशन है उनको स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू फाइव हुई तो वो क्या करेगा तो फाइव को कंटिन्यू करेगा मतलब आगे कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा आई की वैल्यू अब क्या ले लेगा सिक्स तो इसीलिए हमारा रिजल्ट आ गया जीरो वन टू थ्री फोर फिर फोर के बाद फाइव पे कंडीशन सेटिस्फाई सिक्स सेवन एट नाइन तक राइट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी 31 की अगर हम बात करें तो के राइट के द दे रखा है फोर फाइव सिक्स एल वन डॉट एक्सटेंड किया इन्होंने एल टू को फिर एल वन डॉट इंसर्ट किया फोर्थ इंडेक्स पे नाइन और यहाँ पे लिस्ट का क्या प्रिंट कर रहा है स्लाइस तो देखिए इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एल वन आपका वन टू थ्री फोर फाइव ये तो इसके पहले के एलिमेंट है देन इसके बाद टू से एक्सटेंड कर रहा है तो टू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगेन फोर फाइव और सिक्स नाउ इस स्टेटमेंट के अंदर आपका एल वन हो गया ये नाउ इंसर्ट फोर्थ इंडेक्स पे को कर रहा है तो आपको पता है तो इस इंडेक्स पे क्या कर देगा ये नाइन को डाल देगा रेस्ट ऑफ द लिस्ट आपकी इस, तरी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो आपकी अपडेटेड लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी वन टू थ्री ये आपका जीरो इंडेक्स पे आ रहा है ये वन इंडेक्स पे आ रहा है ये टू इंडेक्स पे आ रहा है ये थ्री इंडेक्स पे आपका फोर आ जाएगा नाउ यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे फोर्थ इंडेक्स पे नाइन तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा राइट right? अब इसके बाद ये फाइव फोर फाइव सिक्स ये आपका आगे आ जाएगा तो फाइव फोर देन फाइव सिक्स राइट तो ये आपकी लिस्ट बन चुकी है अपडेटेड लिस्ट Now, इस लिस्ट पे माइनस टू से लेके माइनस फाइव वाले जो स्लाइस है वो प्रिंट करना है अब आपको पता है ये आपका माइनस इंडेक्स पे शुरू होता है वन ये माइनस टू ये माइनस थ्री ये माइनस फोर ये माइनस फाइव ये माइनस सिक्स ये माइनस सेवन ये माइनस एट और ये माइनस नाइन अगर हम ये बैकवर्ड इंडेक्स की बात होगी फॉरवर्ड इंडेक्स की बात करें तो जीरो से शुरू होता है नाउ इसके अकॉर्डिंग अब आउटपुट देखिए माइनस टू से माइनस फाइव से लेके माइनस टू का मतलब हो गए यहाँ से माइनस फाइव से चलेगा और माइनस थ्री तक ये चलेगा तो नाइन फाइव फोर इज द करेक्ट आंसर और ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर फोर तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर आई होप ये लिस्ट वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपने जो फंक्शंस यूज किया एक एक्सटेंड फंक्शन यूज किया ये आपको पता होना चाहिए और एक आपने इंसर्ट फंक्शन यूज किया है राइट right? नाउ चलते हैं क्वेश्चन थर्टी टू पे 32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड यहाँ पे बात कर रहा है इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल अब आपको पता है पिकल मॉड्यूल यूज कर रहा है लिस्ट वन डिक्लेयर कर रहा है और लिस्ट वन के अंदर रेड ग्रीन ऑरेंज येलो ब्राउन डिक्लेयर कर दिया फाइल को ओपन किया फाइल डो डीएटी और डब्लू बी मतलब बाइनरी मोड के अंदर राइट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा है डब्लू मोड यूज कर रहा है तो राइट करेगा बाइनरी मोड अब बाइनरी मोड के अंदर पिकल मॉड्यूल दो काम करता है एक आपका लोड का काम करता है और एक आपका डंप का काम करता है लोड का मतलब रीड ऑपरेशन करना होता है और डंप मतलब राइट ऑपरेशन तो यहाँ पे पिकल डॉट डंप कर दिया लिस्ट वन और ऑब्जेक्ट और फाइल को क्लोज कर दिया इट मीन्स जो आपकी फाइल बनी है ये फाइल इस फाइल का नाम वहां पे इन्होंने दे रखा है फाइल राइट डॉट डी ए टी अब यहाँ पे जो फाइल डॉट डी ए टी दे रखा है इसके अंदर क्या किया इन्होंने ये जो डेटा था आपका लिस्ट वन ये राइट कर दिया है राइट right? नाउ अगेन फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फाइल डॉट डी ए टी को ओपन किया आर बी मतलब रीड मोड के अंदर बाइनरी फाइल को पिकल डॉट लोड किया लोड किया तो एल वन के अंदर एंटायर कंटेंट्स आपके लोड हो गए नाउ फोर लूप लगा रहा है आई इन रेंज लेंथ माइनस वन जीरो तक चलेगा और माइनस वन इंडेक्सिंग कर रहा है तो अब यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट जो बनेगी उसके अंदर मेंबर देखिए आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे फाइव माइनस वन इंडेक्स प्रिंट करेगा और जीरो इंडेक्स तक ये चलेगा माइनस वन करता रहेगा अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है ना कि ये 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 इंडेक्स 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 आपका है 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 तो लूप आपका चलेगा तो आपके पास किस तरीके से लूप चलेगा वो देखिए पहले ब्राउन को प्रिंट करेगा यहाँ पे ठीक है तो ये ब्राउन प्रिंट हो जाएगा फिर आपका पास इसकी वैल्यू माइनस वन करेगा तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई आप थ्री थ्री पे आपका येलो प्रिंट हो जाएगा देन इसके बाद ऑरेंज हो जाएगा ऑरेंज के बाद ग्रीन हो जाएगा अब यहाँ पे आपको ये पता है रेड क्यों नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे रेंज फंक्शन है तो रेंज फंक्शन आपने ये पढ़ रखा है कि जितना आपको दे रखा है यहाँ पे जीरो दे रखा है तो उससे एक कम तक चलेगा इट मीनस एक ग्रीन तक चलेगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा ब्राउन प्रिंट हो जाएगा तो ब्राउन पे पहले नंबर पर रेड ब्राउन ये और ये तो आपके ये दो आंसर्स तो आपके वैसे के वैसे एलिमिनेट हो गए अब यहाँ पे देखिए ये लूप आपका कितने बार चल रहा है ये आपका फोर के लिए चलेगा थ्री के लिए चलेगा टू के लिए चलेगा और वन के लिए ये चार टाइम लूप चलेगा यहाँ पे वैल्यू फाइव प्रिंट कर रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जिसका आंसर है ब्राउन येलो ऑरेंज एंड ग्रीन राइट तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा यहाँ पे आपका बाइनरी फाइल का कंसेप्ट है पिकल मॉड्यूल यूज कर रखा है दो फंक्शन होते हैं डंप एंड लोड लोड फंक्शन आपका राइट के साथ काम करता है और सॉरी लोड फंक्शन आपका रीड ऑपरेशन के साथ मतलब फाइल में रीड मोड में काम करता है और जो डंप मेथड होता है वो आपका फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे थर्टी थ्री क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगर आप इसमें देखते हैं तो एक फाइल दे रखी है स्टूडेंट डी ए टी इसके अंदर एक कंटेंट दे रखा है वाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड डेफ टोटल अंडर स्कोर अमाउंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है फाइल को ओपन कर रहा है ओपन करने के बाद रीड मोड में ओपन किया है आरबी मतलब बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है टोटल की वैल्यू जीरो कर करने के बाद सेकेंड इंडेक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपकी अगर है तो यहां पे स्टेटमेंट लिख रखा है अदरवाइज टोटल इक्वल टू टोटल प्लस दिस कर रहा है और अगर इसकी वैल्यू इफ ग्रेटर देन जीरो है तो पेंडिंग के अंदर वो एड कर रहा है एक्सेप्शन के अंदर फाइल को क्लोज कर रहा है और टोटल माइनस पेंडिंग को क्या कर रहा है ये सबट्रैक्ट कर रहा है और रिजल्ट प्रिंट कर रहा है ना टोटल फंक्शन को कॉल कर रखा है फिर पूछ रखा है कि व्हेन द टोटल मार्क्स टोटल अंडरस्कोर मार्क्स फंक्शन इज इन द आउटपुट इट डिस्प्ले इज दिस अब यहाँ पे पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट जंप स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो देखिए पास स्टेटमेंट होता है रिटर्न भी काम नहीं करेगा रिटर्न का मतलब क्या होगा फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ वैल्यू रिटर्न तो कर कुछ करवा ही नहीं रहे क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चीज भी नहीं होगा ब्रेक स्टेटमेंट अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होते लूप से लूप से से बाहर बाहर आ जाएगा आने के बाद उसको ये वाला स्टेटमेंट मिल रहा है तो कंडीशन फर्स्ट टाइम पे सेटिस्फाई हो जाएगी जब पहला रिकॉर्ड रीड करेगा तो ये देखिए जीरो इंडेक्स पे ये होगा ये वन इंडेक्स पे होगा ये टू इंडेक्स पे होगा ये थ्री इंडेक्स पे, पे तो आर के अंदर अगर हम बात करें तो आर के अंदर पहला रिकॉर्ड आएगा आपका जीरो देन आपका अमाउंट आ जाएगा था, था।, था। और पेंडिंग अमाउंट आ जाएगा जीरो कंडीशन सेटिस्फाई है जीरो इंडेक्स पे ये वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स पे तो टू इंडेक्स पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी ब्रेक लगा देंगे तो लूप से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू आएगा राइट अब कंटिन्यू पुट करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो क्या हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो देखिए कंटिन्यू में क्या करेगा जैसे आप ये लिखेंगे तो थाउजेंड था। पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पे टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा तो टोटल तो के अंदर आपके पास आ जाएगा टू थाउजेंड राइट अब अगर हम पेंडिंग अमाउंट की बात करें तो ग्रेटर देन जीरो देखिए यहाँ पे अगर पेंडिंग अमाउंट आर थ्री ग्रेटर एक तो ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट इनका अगर हम सम कैलकुलेट करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है एट हंड्रेड नाउ प्रिंट करेगा यहाँ पे टोटल ट्वेल्व टू थाउजेंड माइनस एट हंड्रेड तो आपका रिजल्ट आएगा ट्वेल्व हंड्रेड राइट तो यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड आना चाहिए था ये क्लियर हुआ अब आपको प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी और क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक थी वो भी समझ में आ गया होगा और ये जंप स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया ब्रेक कहाँ यूज करते हैं कंटिन्यू कहाँ यूज करते हैं पास यूज करते हैं और रिटर्न कहा यूज करते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था ब्रेक और कंटिन्यू को पास और रिटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे थर्टी फोर की अगर हम बात करें तो ये थर्टी फोर पे कह रहा है कि वाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड डेफ फंक्शन को डिफाइन कर रखा है फाइनल मार्क्स दो आर्गुमेंट ले रहा है रिटर्न कर रहा है टी वन प्लस टी टू राइट

फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है टी वन एंड टी टू और कॉल करते वक्त आपने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है और यहाँ पे दोनों के दोनों आर्गुमेंट डिफॉल्ट भी नहीं है तो फंक्शन को कॉल करते वक्त या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आपको पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो क्या रिपोर्ट करेगा एरर रिपोर्ट करेगा तो जो थर्टी फोर का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पर थर्टी फाइव में एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसके बाद आपको क्या कर रहा है एवेलुएट करवा रहा है राइट तो इसको देखते हैं किस तरीके से अवेलुएट करेंगे अब एक्सप्रेशन को एवेलवेट करना है तो इसके लिए आपको जो ऑपरेटर्स यूज कर रखे हैं उनका प्रेसिडेंस पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को आप सोल्व करोगे तो देखिए ऑपरेटर्स को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले जब हम ऑपरेटर्स को सोल्व करते, तो करते हैं तो पहले पैरेंथिस को सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स फिर आपका आता है एक्सपोनेंट राइट right? एक्सपोनेंट के बाद फिर आता है आपका डिवाइड डिवाइड हो गया या फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया या फिर आपका फ्लोर डिवीजन ये सारे एक साथ इनकी प्रायोरिटी सेम होती है इसके बाद आपका आता है प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन के बाद राइट और यहाँ पे इनकी जो प्रायोरिटी होती है हायर प्रायोरिटी होती है ठीक है और ये आपकी राइट उसके बाद आपके पास डिवाइड वाला ऑपरेटर में आपका मोड आ रहा है और फ्लोर डिवीजन आ रहा है तो आप इन दोनों में से किसी को भी सोल्व कर सकते हैं देन इसके बाद माइनस और प्लस बचा है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं किसी को भी जो पहले आ रहा है तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथिस को सोल्व करेंगे तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री कर दीजिए जो रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वेल्व देन सिक्स और सेवनटी टू तो सेवेंटी टू आ जाएगा फिर माइनस टू मोड़ फोर फिर प्लस एट फ्लोर डिवीजन आपका थ्री फिर प्लस थ्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई फोर अब आपको ये पता है ये एक्सपोनेंट होता है तो ये थ्री की पावर आपका क्या हो जाएगा फोर इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे आपका ये नाइन और फिर ये नाइन और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एटी वन राइट right? यहाँ पे अगर आप सोल्व करेंगे तो सेवेंटी टू माइनस टू मोड फोर प्लस एट फ्लोर डिविजन आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे थ्री प्लस एटी वन टू आपका ये है अगर आप टू मोड फोर की बात करें तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा टू प्लस एट फ्लोर डिवीजन थ्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका टू प्लस एटी वन अब यहाँ पे ये कैसे आया? इसको देख लीजिए अगर आप टू को डिवाइड करेंगे फोर से तो यहाँ पे ये फोर से डिवाइड किया है जीरो टाइम जाएगा यहाँ पे भी ज़ीरो और ये आपका बस गया है टू रिमाइंडर ठीक राइट तो ये टू आ चुका है और अगर आप इसकी बात करें एट फ्लोर डिवीजन थ्री की तो एट और इसको आप डिवाइड कर दीजिए थ्री से तो ये टू टाइम जाएगा यहाँ पे आपका सिक्स आ जाएगा टू तो ये रिजल्ट आ गया आपका टू इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो सेवनटी टू प्लस एट्टी वन रिज़ल्ट आ गया आपका थ्री और ये आपका आ जाएगा वन फिफ्टी थ्री राइट right? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 153 तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है आपका 153 राइट right? नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की तो 36 के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है सिंपल इंटरेस्ट वो यहां पे क्या कर रहा है रिटर्न कर रहा है p r into t si इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास किया राइट right? देन इसके बाद तीसरा आर्गुमेंट आपको पता है डिफॉल्ट वैल्यू दे रखे तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी फिर यहाँ पे एस SI आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और फिर अगेन सिंपल इंटरेस्ट कॉल कर रहा है और फंक्शन को फिर थ्री आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कर रहा है तो यहाँ पे देखिए एस SI आई को कॉल किया तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा टेन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई रेट आपका पॉइंट हो जाएगा देन टाइम आपका हो जाएगा पॉइंट राइट right, अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपका बनेगा वो कितना हो जाएगा वो आप देखिए आपका टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट फोर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा फोर जीरो 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 राइट पॉइंट जीरो क्योंकि मल्टीप्लाई आपका इंटीजर पोर्सन के साथ फ्लॉट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे फोर जीरो 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 तो पे देखिए ये रिजल्ट भी आपका करेक्ट आ रहा है और ये रिजल्ट भी करेक्ट आ रहा है ये आपका हो नहीं सकता नाउ सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका फिफ्टी थाउजेंड दे रखा है मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी ये पॉइंट थ्री नहीं है थ्री है तो यहाँ पे पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी थाउजेंड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइन मल्टीप्लाई बाय फाइव करके देखिए आपका आ जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव के साथ साथ अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दो तो जीरो तीन जीरो देन जीरो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये तो इस केस के अंदर आपका देखिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से और ये दोनों एलिमिनेट हो चुके थे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपको डिफॉल्ट पैरामीटर्स या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को तो यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है पैरामीटर मिसिंग है क्योंकि कॉल करते वक्त आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए थ्री आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मिसिंग आर्ग्यूमेंट की जगह जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो चली जाएगी राइट right? यहाँ पे आपने तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो फिर मिसिंग वैल्यू की जगह कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि सारे की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है तो इस केस के लिए आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं थर्टी सेवन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एक नंबर डिक्लेयर कर रखा उसके इनिशियल वैल्यू यहाँ पे थाउजेंड हंड्रेड डिक्लेयर कर रखिए सॉरी डेफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है फंक्शन वन आर्ग्यूमेंट पास किया ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे की वर्ड यूज किया नंबर वन देन नंबर वन के अंदर यहाँ पे डाल दिया टू हंड्रेड नंबर वन को क्या कर रहा है एक्सपोनेंट कर रहा है कि पावर एक्स के साथ जो भी नंबर है उसके साथ एक्स के साथ तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल जब की यूज कर लिया तो उस केस में क्या होता है कि जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है एक्स की ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेगा और जो वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा है तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस चीज का ध्यान रखना है जैसे नंबर वन की वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ये है और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के बाद ग्लोबल की के साथ फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू है तो प्रिंट फंक्शन की अगर हम बात करें करे, तो यहाँ पे देखिए डे फंक्शन के बाद प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पे नंबर वन को प्रिंट कर रहा है तो नंबर वन के अंदर जो वैल्यू दे रखे हंड्रेड दे रखी है तो ये आपका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो गया राइट right? क्योंकि इसमें नंबर वन अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया है इसलिए इसकी वैल्यू हंड्रेड रहेगी नाउ यहाँ पे टू पास करने के बाद फंक्शन को कॉल किया है फंक्शन वन को नाउ फंक्शन वन के अंदर नंबर वन कॉल किया ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे नंबर वन यूज किया नंबर वन इक्वल टू आपका टू हंड्रेड हो गया अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नंबर वन इक्वल टू नंबर वन मल्टीप्लाई बाय ये किया है तो ये नंबर वन क्या है आपका टू हंड्रेड राइट right. और 200 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाई टू किया मतलब मल्टीप्लाई बाई टू राइट तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आपका 4 के साथ यहाँ पे 40 जीरो लग जाएगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो करेक्ट आंसर आपका ये भी नहीं रहेगा ये रहेगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे फिर अगेन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टेटमेंट ना लिख के और डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नंबर वन कर रहा होता तो फिर क्या वैल्यू आती ये चीज समझने लायक है ध्यान से देखिएगा मैं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट अगर नहीं लिखता डायरेक्टली नंबर वन को प्रिंट करता तो नंबर वन के अंदर क्या वैल्यू आती तो उस केस में नंबर वन के अंदर वैल्यू यहाँ पे 200 प्रिंट करता और यहाँ पे भी आपका कितना होता 100 प्रिंट करता अब अगर यहाँ पे मान लीजिए ग्लोबल वर्ड को हटा देता और फिर आप इस तरीके से यूज करते तो यहाँ पे तो देखिए नंबर की वैल्यू 100 आती बट यहाँ पे नंबर की वैल्यू आपकी 200 आएगी या 100 ये आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए अगर ग्लोबल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि वो फंक्शन चेंज नहीं होता तो इस केस के अंदर यही ग्लोबल जो वेरिएबल है नंबर वन ये यहाँ पे प्रिंट होता और सेम चीज यहाँ पे प्रिंट होती तो हंड्रेड हंड्रेड प्रिंट हो जाता आपका राइट तो यहाँ पे जो चीज सोचने की बात है ग्लोबल जो कीवर्ड यूज कर रखा है वो यहाँ पे क्या करता है ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करता है और जब ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर दिया और उसको चेंज कर दिया तो वो ओरिजिनल वैल्यू के साथ क्या करेगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पे अगर हम चले तो रैंडम फंक्शन यूज किया है यहाँ पे इम्पोर्ट रैंडम कलर इक्वल टू रेड ऑरेंज येलो ब्लैक आपका कलर यूज कर रखा है नाव यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे है ये वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स पे है और ये थ्री इंडेक्स पे है और ये आपका जो इंडेक्स दे रखा है फोर इंडेक्स पे नाउ फोर आई इन रेंज फंक्शन यूज कर रखा है लेंथ ऑफ कलर यूज कर रखा है कलर की लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी फाइव राइट रेंज फंक्शन यूज कर रखा है तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी वैल्यू क्या रहेगी या तो जीरो रहेगी या फिर वन रहेगी या टू रहेगी या थ्री रहेगी और या फिर फोर रहेगी राइट तो यहाँ पे ये चलेगा जो सी की वैल्यू रहेगी मतलब ये लूप जो चलेगा वो कितनी बार चलेगा लूप चलेगा आपका जीरो वन टू थ्री फोर मतलब ये फाइव टाइम्स आपका लूप चलेगा ठीक है <coughs> आगे चलते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो पी इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट और टू कोमा फोर यूज कर रहा है टू कोमा फोर यूज कर रहा है तो रैंड इंट फंक्शन क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए रैंड इंट जो फंक्शन है वो टू और फोर यूज कर रहा है यहाँ पे तो ये स्टार्ट वैल्यू टू है और लास्ट वैल्यू यहाँ से इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी टू थ्री और फोर मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू जनरेट होगी सॉरी पी की वैल्यू या तो टू हो सकती है या थ्री हो सकती है या फिर फोर हो सकती है दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करता है रेंज फंक्शन एंड इंट फंक्शन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कलर के साथ पी की वैल्यू को इंडेक्स में पास कर रहा है तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो सकती है टू थ्री फोर मतलब टू पे हो सकता है येलो ब्लैक या फिर आपका काइंड जो वर्ड दे रखा है कलर दे रखा है ये प्रिंट करेगा मतलब ऑरेंज और रेड आपका आंसर हो ही नहीं सकता यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए रेड आपका ये आंसर आ गया तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे कलट कट जाएगा आपका ठीक है फिर यहाँ पे आपका दे रखा है ब्लैक दे रखा है ब्लैक भी दे रखा है फिर अगेन फिर ये आपका दे रखा है फिर येलो दे रखा है तो ये काम कर जाएगा ब्लैक रेड रेड आ चुका है फिर इसमें आपका ब्लैक आ गया ऑरेंज आ गया तो ये कट गया क्योंकि रेड तो ऑप्शन में आएगा नहीं रेड जीरो इंडेक्स पे यार हमें इंडेक्स टू थ्री फोर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो चाहिए और ये चार बार चलेगा तो एक बार के लिए ये प्रिंट करेगा दूसरी बार के लिए ये तीसरी बार के लिए सेम वैल्यू हो सकती है चौथी बार के लिए ये और आपका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक मिनट यार ओ सॉरी क्योंकि लूप आपका फाइव टाइम चलेगा तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आ जाएगी राइट तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे रैंड इंट फंक्शन दे रखा है तो ये टू जनरेट करेगा थ्री जनरेट करेगा और फोर जनरेट करेगा यहाँ पे कलर पी का जो इंडेक्स लेगा या 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 तो तो हो 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 सकता 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 है या फिर 4 हो सकता है या पे है है फिर तो ये ये चीज देखनी राइट और लूप आपका चलेगा फाइव टाइम्स आई की वैल्यू जीरो के लिए वन के लिए टू के लिए थ्री के लिए फोर के लिए तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा ये तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्टी एट का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टू फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रेड प्रिंट कर रहा है रेड आपका जीरो इंडेक्स पे जो कभी प्रिंट नहीं होगा थर्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी रेड प्रिंट कर रहा है तो वो नहीं आएगा फोर्थ आपका ऑरेंज प्रिंट कर रहा है ऑरेंज का जो इंडेक्स है वो क्या आपका वन इंडेक्स है तो आई होपे थर्टी एट भी आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट चलते हैं तो नंबर थर्टी नाइन पे थर्टी नाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फंक्शन लिख रखा है यहाँ पे फ्लिप नंबर फोर यूज कर रखा है आई इन रेंज वाई ओके नाउ इफ एल एल आई मोड थ्री टू इक्वल टू अगर जीरो है तो एल आई का एक्सपोनेंट करेगा थ्री अदरवाइज एक्सपोनेंट करेगा टू अगर वो टू से डिवाइड हो रहा है तो राइट right? मतलब रिमाइंडर अगर टू आ रहा है अब यहाँ पे देखिए एल आपकी लिस्ट दे रखा है जिसमें जीरो इंडेक्स पे आपकी ये वैल्यू है थ्री ये वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स पे ये थ्री इंडेक्स पे ये फोर इंडेक्स पे ना फंक्शन को कॉल किया फंक्शन को कॉल करने के बाद देखिए लिस्ट फंक्शन में लिस्ट पास कर दिया और जो वाई की वैल्यू है वो क्या पास कर दी फाइव पास कर दिया तो अब यहाँ पे जो लूप चलेगा वो देखिए लूप के अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइव लेगा इट मीन जीरो वन टू थ्री और फोर इंडेक्स पे अब जीरो इंडेक्स पे देखिए क्या है एल जीरो एल जीरो पे अगर हम बात करें तो थ्री है ठीक है तो थ्री मोड थ्री इक्वल टू तो इक्वल टू तो जीरो हाँ हो रहा है तो उसको क्या कर देगा थ्री की पावर थ्री तो यहां पे देखिए थ्री की पावर थ्री हो गया तो ये थ्री की पावर थ्री नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आया आपका वैल्यू टू वन इंडेक्स पे तो वन इंडेक्स पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली तो ये टू की पावर कितना हो जाएगा टू देन इसके बाद फोर तो फोर की पावर भी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा नेक्स्ट आपका एट तो एट की पावर भी कितना हो जाएगा टू हो जाएगा फिर आपका नाइन तो नाइन की पावर कितना हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा नाउ अब आप इसको सोल्व कर लीजिए सोल्व करने के बाद देखिए थ्री की पावर थ्री करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री तो कितना हो जाएगा नाइन ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन के बेस पे देखेंगे तो आपका ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका एलिमिनेट हो गया इट मीन्स या तो ऑप्शन आपका टू हो सकता है या फिर ऑप्शन आपका फोर्थ हो सकता है नाउ अब अगर आप चले तो यहाँ पे देखिए टू की पावर थ्री मतलब एट हो जाएगा तो टू की पावर थ्री पे आपका आंसर एट ये आ रहा है इट मीन यहाँ पे आपका ये वाला आंसर भी क्या हो गया सॉरी टू की पावर टू यहाँ पे टू की पावर टू मतलब हो हो जाएगा तो ये आपका गया नाउ फिर इसके बाद और बीच में आपका एंड कर रहा है हैशटैग के साथ तो ये आपका हैशटैग तो आएगा है, नाउ टू की पावर फोर आ, तो फो, सॉरी फोर की पावर टू तो फोर इंटू फोर मतलब आपका कितना हो जाएगा सिक्सटीन नाउ एट इंटू एट मतलब तो आपका रिजल्ट ये वाला तो वैसे एलिमिनेट हो चुका था तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू तो 39 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर 40 के अंदर एक फाइल दे रखी है आपको फाइल का नेम भी दे रखा है आपका कोड.txt फाइल के अंदर कंटेंट्स दे रखा है पहली लाइन आपकी है दूसरी लाइन ये तीसरी लाइन ये चौथी लाइन ये फाइल को रीड मोड में ओपन किया r1 इक्वल टू लेंथ ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन डॉट स्प्लिट मतलब पहली लाइन को रीड करेगा देन स्पेस के साथ स्प्लिट कर देगा देन उसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा तो इसमें देखिए आपके पास a की आएगा a यहां तक चला दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ इट मीन्स यहाँ पे इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे आर वन के अंदर तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नाइन राइट इसके बाद ये कह रहा है फाइल रीड लाइंस मतलब दूसरी लाइन को रीड करेगा ये लाइन रीड कर ली आर टू के अंदर देन फिर आर थ्री के अंदर ये वाली लाइन रीड कर ली और आर आर फोर के अंदर जो कर रहा है अगेन ये लाइन रीड करने के बाद वो पहुंच चुका है यहां पे नाउ आगे अब रीड करेगा तो रीड ट्वेल्व मतलब ट्वेल्व करेक्टर रीड करेगा तो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इट मीन्स यहाँ तक ये यह रीड करेगा तो इस केस में फिर प्रिंट कर रहा है यहाँ पे आर वन आर वन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की नाइन तो देखिए नाइन के साथ ये वाला एलिमिनेट हो गया ये वाला एलिमिनेट हो गया इट मीन्स ये रिजल्ट हो सकता है या फिर ये रिजल्ट हो सकता है राइट अब यहाँ पे अभी हमने रीड किया है कि ये लाइन आपका आर चला जाएगा आर थ्री के अंदर क्योंकि आर वन में ये आर टू में आर थ्री के अंदर ये आर फोर के अंदर जब रीड करेगा 12 करेक्टर, तो 12 करेक्टर आपका ये इट मीन यू विल नेवर राइट तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी का जो ऑप्शन नंबर वन है वो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे फोर्टी वन में रखा है एक स्ट्रिंग टाइप जिसमें है तो उसमें क्या कर देगा जो ब्लैंक स्क्रीन स्ट्रिंग है उसके अंदर प्लस करेगा डॉट लोअर करके इज लोअर है तो उसको अपर में डिजिट है तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर देगा अदरवाइज हैश टैग कर देगा नाउ हैप्पी हावर्स को अगर हम लेते हैं एम टी स्ट्रिंग है एम टी स्ट्रिंग के अंदर लेंथ कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पे देखिए जीरो सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन और फोर्टीन तो फोर्टीन पे चलेगा जीरो इंडेक्स से लेके कितने थर्टीन इंडेक्स तक यहाँ तक रीड करेगा ये आपको क्लियर पता है नो पहला करेक्टर लेगा ये एच एच इज अपर है यस तो एल वन के अंदर यह क्या करेगा इसको लोवर में कन्वर्ट कर देगा और लोअर में इज लोवर के साथ करके एल वन में प्लस कर देगा तो यहाँ पे आ गया एच राइट right? देन इसके बाद नेक्स्ट चलेगा आपका स्मॉल ए लेगा स्मॉल ए पे जाएंगे तो देखिए इज अपर नहीं लोवर है लोअर है लोअर है तो अपर में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे ये यह आ जाएगा कैपिटल ए फिर यहाँ पे आपका कैपिटल पी आ जाएगा फिर अगेन कैपिटल पी फिर वाई आ गया फिर हैश आ गया मतलब स्पेस आया है अब इस स्पेस में ना तो इज अपर है ना लोअर है ना डिजिट है तो यहाँ पे हैस टैग आ जाएगा तो यहाँ पे हैश टैग आ गया ना इसके बाद एच एच स्मॉल में तो कैपिटल में ओ यू आर ये सारा का सारा कैपिटल में हो गया फिर यहाँ पे देखिए क्या आया आपका वन अब ये वन है तो क्या है ना तो ये इज अपर है ना लोअर है डिजिट है डिजिट है तो ये क्या करेगा 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 से 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 कर देगा, तो 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 पे आप देखिए तो को टू से multiply करेगा, तो टू आना चाहिए, आपको एक चीज ध्यान, तो ध्यान रखना है तो यहाँ पे वन वन क्योंकि आप स्ट्रिंग रिप्लीकेट होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अंदर यही ध्यान रखना है फिर नेक्स्ट टाइम आपका टू आ जाएगा तो टू भी रिप्लीकेट हो जाएगा मतलब टू टू होगा देन इसके बाद माइनस सिंबल आया है, तो माइनस सिंबल की जगह आपका हैशटैग आ जाएगा देन इसके बाद आपका थ्री आया है, तो थ्री भी क्या करेगा रिप्लीकेट कर जाएगा तो थ्री थ्री ये आपका रिजल्ट आएगा कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो वन देखा अच्छा ये तो डिजिट है ये टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे टू फिर अगेन टू आया तो ये फोर आ जाएगा फिर आपका ये हैशटैग है तो ये तो uh, मतलब माइनस है तो हैशटैग आ जाएगा और ये थ्री है तो ये सिक्स मतलब वो यहाँ पे ये लिखते हैं वो भूल जाते हैं क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग टाइप का दे रखा है डबल में तो ये वन और टू डिजिट तो है बट ये इंडिविजुअल डिजिट होने के साथ साथ ये स्ट्रिंग भी है तो स्ट्रिंग को जब टू से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है आपका रिप्लीकेट होता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पे फोर्टी टू पे कह रहा है सपोज

अब आप मुझे बताइए प्रिंट कर रहा है पहले टेक्स्ट के अंदर एंटायर फाइल को रीड कर लिया तो आपका कर्सर जो पॉइंटर है आप यहाँ पे पहुंच गया अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है टेन करेक्टर तो क्या टेन करेक्टर आगे कोई है कुछ है ही नहीं है ही नहीं तो एरर तो देगा नहीं द की टू भी नहीं देगा कल भी नहीं देगा नो no आउटपुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ अगर ये रीड ना करके केवल रीड टेन करता तो फिर यहाँ पे टेन करेक्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर आपका आउटपुट ही आता बट ये जब रीड कर लिया तो एंटायर फाइल को रीड करने के बाद फिर अगेन टेन करेक्टर रीड कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फाइल आपके आगे खाली पड़ी हुई है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नो आउटपुट राइट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन बन रहा है ये यहाँ पे देखिए फाइल को रीड किया फाइल मोरल डो टी नाम की फाइल दे रखी है कंटेंट्स दे रखा है रीड किया रीड करने के बाद स्प्लिट कर दिया स्प्लिट करने के बाद ये क्या कर रहा है अब आपको पता है ना स्प्लिट किया है इसने स्पेस इस के बेस पे तो ये सम टाइम्स एक साथ आ जाएगा वी आर एक साथ आ जाएगा टेस्टेड एक साथ नोट टू ये स्पेस के अकॉर्डिंग ये आपका ही बन जाएगा नाउ यहाँ पे पहला वर्ड लेगा वर्ड की लेंथ कैलकुलेट करेगा अगर वर्ड की लेंथ एट से ज़्यादा है तो उस वर्ड को प्रिंट कर देगा नाउ सम टाइम की लेंथ कैलकुलेट करो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो सम टाइम यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है ये तो हो ही नहीं सकता इट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट में फाइव करेक्टर है टेस्ट एड की अगर हम बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा आगे चलिए वीकनेस वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये भी प्रिंट कर देगा तो वीकनेसेज यहाँ पे भी दे रखा है टेस्टेड दे रखा है टेस्टेड वैसे एलिमिनेट हो गया वीकनेसेज यहाँ पे भी दे रखा है देन इसके बाद डिस्कवर दे रखा है इसके अंदर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एग्जैक्ट एट करेक्टर है बट यहाँ पे ग्रेटर देन एट है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया आपको तो ये रीड करने की जरूरत नहीं है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाए क्योंकि स्ट्रेंथ की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये तीन वर्ड आपके प्रिंट हो जाएंगे राइट तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री था आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लिया और इसको एक बार फिर थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक फंक्शन डिफाइन किया है सम ग्लोबल पी यूज कर रखा है पी इक्वल टू पी मल्टी पी प्लस सेवन एक्सपोनेंट टू कर रखा है प्रिंट कर रहा है पी एंड के साथ यूज uh, कर रखा है पी की वैल्यू uh, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट में अगर पी की वैल्यू प्रिंट करेगा तो टेन प्रिंट करेगा और एट द रेट तो टेन एट द रेट आपका आउटपुट यह आ जाएगा और ये आ जाएगा तो ये दोनों के दोनों आउटपुट तो आपके क्या हो गए यहीं पर एलिमिनेट हो गए

कर देगा तो यहाँ पे इसने 59 प्रिंट कर देना है तो 59 और उसके साथ हैशटैग तो ये 59 नाइन हैशटैग प्रिंट कर दिया राइट तो 59 नाइन हैशटैग यहाँ पे भी है और 59 नाइन हैशटैग इसमें है ही नहीं तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट फिर पी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो अब यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू आप सोचेंगे नहीं टेन है टेन कैसे हो जाएगी यहाँ पे पी की वैल्यू पी की वैल्यू क्या हो गई क्योंकि ग्लोबल वर्ड के साथ यूज किया है पी को तो पी की वैल्यू अब जो टेन थी वो अपडेट हो चुकी है तो तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्टी फोर है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ पे देखिए जब भी भी आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर आ रहा है तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम आंसर को क्या कर रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे चलते हैं अगेन आपको क्या दे दिया हैंडलिंग की problem दे दी। file handling की अगर हम बात करें तो देखिए, को ओपन किया रीड मोड के अंदर फाइल में प्रिंट कर दिया प्रिंट डॉट रीड अब एंटायर कंटेंट्स को रीड करके कर क्या कर देगा प्रिंट कर देगा तो देखिए, स्पेशल करेक्टर यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो ये तो कुछ है ही नहीं केवल लेटर लेटर भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे स्ट्रिंग में रेफर टू ये तो मतलब बताया है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एंटायर फाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी प्रिंट क्या करेगा देखिए लेटर्स फिर न्यू लाइन के अंदर नंबर्स फिर स्पेशल करेक्टर तो आपका आंसर हो जाएगा ये चीज राइट तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा लेटर्स नंबर्स और स्पेशल करेक्टर यहाँ पे ये स्ट्रिंग में रेफर टू ये फाइल के अंदर दे नहीं रखा है इस चीज का ध्यान रखना केवल फाइल के अंदर अब राइट करेगा अगर हमें मान ले दे भी रखा है तो आपको राइट मोड में फाइल को ओपन कर रखा है तो राइट मोड क्या करता है जब भी भी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो फाइल को इरेज कर देता है ओल्ड कंटेंट्स मतलब स्ट्रिंग में रेफर टू इरेज हो जाएगा ट्रंकेट कर देगा लेंथ जीरो सेट कर देगा न्यू कंटेंट जो भी राइट करेगा वो बिगनिंग से राइट करेगा और ये जो प्रीवियस कंटेंट्स था ये इरेज कर देगा

देन सेकेंड इंडेक्स पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी लाइन होगी थर्ड इंडेक्स पे तीसरी लाइन होगी अब इसके बाद ये कह रखा है कि फोर आई इन एल मतलब पहले ये लाइन लेगा फिर ये लाइन फिर ये लाइन फिर ये लाइन

Now, फिर केलेगा तो इस केस के अंदर जो काउंट की वैल्यू अपडेट होते हुए कितनी हो गई थ्री तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर फोर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट नेक्स्ट चलते हैं

वन डॉट टी एक्स टी तो यहां पर रिजल्ट वन डॉट टी एक्स टी की अगर हम बात करें रिजल्ट वन डॉट टी एक्स टी ये है अब इसकी बात करें तो यहाँ पे कैसे जाएगा वो आपको देखना है तो देखिए ये आपका एडमिन में फर्स्ट टर्म और यहाँ पे जा रहा है तो देखिए रिजल्ट के अंदर डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते एडमिन फाइनल ये भी नहीं जा सकता यहाँ से इधर नहीं जा सकते तो ये भी हट जाएगा फर्स्ट टर्म और रिजल्ट हाँ ये हो सकता है बट यहाँ पे रूट डायरेक्टरी को मैंसन नहीं कर रखा है तो यहाँ पे डैश डैश स्लैश रूट डायरेक्टरी ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करें तो 48 के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था रीड लाइन्स क्या करता है रीड लाइन्स फंक्शन जब भी भी काम करता है तो एक लिस्ट बनाता है और लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे पहली लाइन होगी फिर यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन होगी फिर यहाँ पे तीसरी लाइन होगी तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं होगा लिस्ट ऑफ सिंगल करेक्टर ये भी नहीं होगा स्ट्रिंग तो हो ही नहीं सकता लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपका यह आउटपुट होगा तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर नाउ फोर्टी नाइन की अगर हम बात करें तो फोर्टी नाइन में कह रखा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टपल दे रखा है टपल के अंदर यहाँ पे क्या कर रखा है थर्ड इंडेक्स पे थर्ड देखिए ये जीरो इंडेक्स पे ये वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स पे और थ्री इंडेक्स पे और ये फोर्थ पे नाव इसके बाद टपल थर्ड पे ये दे रखा है ये लिस्ट है आपका उसमें फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये जीरो इंडेक्स पे हो गया वन इंडेक्स पे ये टू इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे आपका क्या डालना है टेन डाल रहा है और यहाँ पे पहले से क्या डाला हुआ है टू डाला हुआ है तो यहाँ पे देखिए कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो आ, टपल है तो टपल आपका इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल को चेंज कर रहा है वो तो एरर रिपोर्ट कर देगा नहीं यहां पे एक चीज देखनी है टपल के अंदर जो मेंबर्स है वो किस टाइप के देखिए टपल्स के मेंबर्स पे इंटीजर 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 और ये आपका क्या दे दिया लिस्ट दे दिया तो लिस्ट कैन बी द मेंबर ऑफ टपल सिमिलरली टपल कैन बी द मेंबर ऑफ लिस्ट है. अब यहां पे लिस्ट को आप अपडेट कर सकते हैं म्यूटेबल होती है तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं बट आप एंटायर जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते वो आपका रहेगा लिस्ट ही रहेगा लिस्ट को अब यहां पे आप इंटीजर नहीं डाल सकते बट लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स अगर आप बात करेंगे तो एरर का ऑप्शन तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता नाउ नाइन थ्री फाइव नाइन थ्री फाइव ऐसे कैसे रहेगा नाइन थ्री फाइव ये तो हट जाएगा नाइन थ्री फाइव भी रहेगा अब यहाँ पे क्या कर रहा one index, zero index पे one है one index पे two है, two पे है टू की जगह पे टेन डाल रहा है तो यहाँ पे देखिए जीरो करेक्ट आंसर तो आपका आ जाएगा टू और ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा ये किस तरीके से क्वेश्चन बना है इटमीन्स टपल के अंदर अगर लिस्ट मेंबर है तो उस लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं राइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ओके okay, 50 तो सेक्शन सी के अंदर जाएगा ये सेक्शन सी का ऑलरेडी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं तो ये था सेक्शन जो बी था सैंपल पेपर वन का आई होप आपको समझ में आया होगा कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ जय हिंद जय भारत